Alkaline Diet Plan for Weight Loss in Hindi, Indian Alkaline Food List, Best Diet for Pitt Acidity and GERD in Hindi, What is Black Water, और भी बहुत कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में. Hey friends, welcome to Diet Burp, where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight and becoming healthy. मेरा नाम पायल है और मैं एक registered dietitian हूँ. जैसा कि आप जानते हैं, Diet Burp पे हम most trending diets का easy, simple, practical version आपके सामने लेकर आते हैं. और आज का वीडियो भी ऐसी ही एक trending diet and water पे based है. मैं बात कर रही हूँ alkaline black water और alkaline diet plan की. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये alkaline diet आखिर होती क्या है, ये जरूरी क्यों है और alkaline diet के फायदे क्या हैं. फ्रेंड्स, आपने टीवी, मैगजीन्स और सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि मलाइका अरोरा, गौरी खान, करण जौहर, विराट कोहली, ये लोग ब्लैक वाटर की बोतल अपने साथ लेकर चलते हैं. तो ये ब्लैक वाटर आखिर होता क्या है? ये ब्लैक वाटर दरअसल अल्कलाइन वाटर है, जहां नॉर्मल आरओ प्यूरिफाइड वाटर न्यूट्रल पीएच लेवल और जीरो मिनरल्स देते हैं. वही ये ब्लैक वाटर अल्कलाइन पीएच और कई सारे मिनरल्स के साथ आते हैं. इस पानी की अल्कलाइन नेचर की खासियत ये है कि आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और ऑब्वियसली आपकी बॉडी की एसिडिटी भी कम करके अल्कलाइन एटमॉस्फेयर बनाता है. वाओ, इतने सारे फायदे हैं तो कोई भी इंसान इससे यूज करने के लिए टेम्प्ट तो होगा ही. अगर मैं आपसे कहूं कि इससे कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको एक अल्कलाइन डाइट खाने से होगा और इतना महंगा पानी आपको खरीदना जरूरी नहीं है, तो क्या आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? ये जो अल्कलाइन डाइट है, ये क्यों जरूरी है और आयुर्वेद में अल्कलाइन डाइट का इतना महत्व क्यों है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. चलिए अल्कलाइन डाइट प्लान और फूड लिस्ट देखने से पहले इसके पीछे की कुछ साइंस समझते हैं कि बॉडी में एसिडिटी और अल्कलिनिटी का असर क्या होता है और बैलेंस की जरूरत क्यों है. द साइंस बिहाइंड ईटिंग अल्कलाइन फूड्स. एक एवरेज एडल्ट में 4.5 टू 6 लीटर्स ब्लड बॉडी में फ्लो होता है. इसका पीएच 7.5 टू 8 यानी टुवर्ड्स अल्कलिनिटी मेंटेन होता है, ताकि हमारी बॉडी का अंदरूनी मैकेनिज्म एकदम सही चलता रहे. जब आप एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स और ड्रिंक्स लेते हैं, ब्लड में एसिडिटी बढ़ने लगती है और इस पीएच को बैलेंस करने के लिए बॉडी में मौजूद अल्कलाइन मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मदद से अपने अल्कलाइन बैलेंस को बनाए रखता है. यही एक मेजर रीजन है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, उनके बॉडी में बोन डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि बोन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड अपनी अल्कलिनिटी बनाता है. एक गौर फरमाने की बात ये भी है कि स्ट्रेस, जो आजकल के मेजॉरिटी इलनेसेस का कारण है, वो आपकी बॉडी में इन अल्कलाइन मिनरल्स यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी लाता है, जिसके कारण आपके ब्लड की एंड ओवरऑल बॉडी की एसिडिटी बढ़ती है और आप बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं. आपकी बॉडी में जो हार्ट के फंक्शंस हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका फंक्शन खासकर दब जाता है. थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखिए, स्ट्रेस आपके लिए बुरा है, ये बात आपने कई डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स से ऑलरेडी सुनी होगी, पर आज इस वीडियो से आपको इसके मैकेनिज्म की भी जानकारी हो गई. अच्छा, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद भी अल्कलाइन डाइट को ही सदियों से प्रमोट करता आ रहा है. तो बेसिकली ये आयुर्वेदा और अल्कलाइन डाइट का कनेक्शन क्या है, चलिए देखते हैं. आयुर्वेद के अनुसार आपके बॉडी में वात, पित्त और कफ नामक तीन दोषाज होते हैं. ये तीनों दोषा ऐसी एनर्जी देते हैं जो बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैरी आउट करके आपको स्वस्थ रखने का काम करती हैं. जैसे कि वात मोशन से रिलेटेड बॉडी फंक्शंस, जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट को संभालता है. जो पित्त दोष होता है वो बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन और बॉडी टेम्परेचर को संभालता है. कफा जो है वो बॉडी में ग्रोथ, बॉडी पार्ट्स को वाटर सप्लाई, इम्यूनिटी, स्किन का मॉइस्चराइजेशन कैरी आउट करता है. अब आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषा में पित्त दोष को बैलेंस रखना खासा जरूरी माना गया है. यही दोष हमारे बॉडी और माइंड को अल्कलाइन रखता है. जब पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका कारण और सिम्टम्स एसिडिक फूड, स्ट्रेस, गुस्सा, इम्पेशेंस आदि होते हैं.
ये शुरुआत में हार्टबर्न, एसिडिटी, रिफ्लक्स और हेयर लॉस के रूप में हमारे सामने आता है और फिर बड़ी जानलेवा बीमारियों को दावत देने लगता है। पित्त को बैलेंस करने के लिए आप हमारा ये डाइट प्लान ऑन एसिडिटी एंड जीईआरडी देख सकते हैं, या फिर ये आयुर्वेदिक डाइट प्लान टू बैलेंस पित्त दोषा भी देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग एल्कलाइन डाइट को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं: प्रिवेंशन अगेंस्ट डायबिटीज, प्रिवेंशन अगेंस्ट किडनी डिसऑर्डर्स, प्रिवेंशन अगेंस्ट हार्ट डिसऑर्डर्स, प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन फाइटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज और प्रिजर्वेशन ऑफ मसल मास ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ऑफकोर्स वेट लॉस। अच्छा, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है आपको उन सबसे प्रोटेक्शन मिलती है इस एल्कलाइन डाइट को फॉलो करके। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं अबाउट पीएच ऑफ फूड्स। देखिए, किसी भी फूड की जो पीएच है, यानी उसकी एसिडिटी या एल्कलिनिटी, उसके एक्चुअल पीएच से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि डाइजेशन के बाद जो एश वो आपकी बॉडी में छोड़ता है उस पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेजर मिथ है कि अगर आपको एसिडिटी है तो आपको नींबू नहीं खाना, क्योंकि नींबू से आपको जलन और एसिडिटी बढ़ जाएगी। पर क्या आपको पता है, लेमन एक्चुअली एक एसिडिक पीएच वाला फूड होने के बावजूद डाइजेशन और एसिमिलेशन के बाद आपके बॉडी में जो एश छोड़ता है वो एल्कलाइन होती है, इसीलिए लेमन्स एल्कलाइन डाइट में लेना अलाउड होता है। वहीं दूसरी ओर जो मीट फूड्स हैं, उनकी एक्चुअल पीएच तो एल्कलाइन है, पर डाइजेशन के बाद वो आपके बॉडी में एसिडिक एश रिलीज करते हैं, इसीलिए मीट्स एल्कलाइन डाइट में अलाउड ही नहीं होते। चलिए अब एक नजर डालते हैं एल्कलाइन फूड्स की लिस्ट पर जो आपको अपने खाने में इंक्लूड करनी है। इस लिस्ट को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कैटेगरी 1 है, ये फूड्स एल्कलाइन हैं और फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, बट इनमें थोड़ी कैलोरीज ज्यादा होती है। आपके ब्लड शुगर को ध्यान रखकर इन्हें उस हिसाब से क्वांटिटी इनकी डिसाइड करके लेना चाहिए। ये फूड्स है लेमन, वाटरमेलन, ग्रेपफ्रूट्स, मैंगो, पपाया, अनियन, गार्लिक, रॉ पालक, पार्सली, ब्रोकली, वेजिटेबल जूसेस, हर्बल टीज और लेमन वाटर। कैटेगरी 2 है उन फूड्स की जो आप फ्रीली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि डेट्स यानी खजूर, फिग्स यानी कि अंजीर, मेलन फ्रूट्स, ग्रेप्स, एप्पल, पेयर, कीवी, भिंडी, बीटरूट, बीन्स, लेटस, जुकिनी, स्वीट पोटैटो, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन टी, कोकोनट वाटर, वाटर क्रेस, ब्लैक वाटर, कैरेट्स, क्यूकुम्बर, ग्रीन पीस, समर स्क्वॉश, कैप्सिकम और कैबेज। जो कैटेगरी 3 है, ये लेस या मॉडरेटली जो एल्कलाइन फूड्स होते हैं उनकी है, और ये आप मॉडरेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि है हनी, ऑरेंज, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, पीच, अवोकाडोस, टमेटो, कॉर्न, मशरूम, पोटैटोस एंड ऑलिव्स एक्सेट्रा। एक बात नोट करिए कि सीरियल्स और पल्सेस और लेग्यूम्स जो होते हैं ये एल्कलाइन नहीं होते, इसलिए इन्हें हम कम मात्रा में यूज करेंगे। ग्रेन्स में आप मिलेट्स जैसे कि रागी, फॉक्सटेल, किनवा, राजगीरा, ये यूज कर सकते हैं। चलिए, ऑल सेड एंड डन, अब हम देखते हैं ये एल्कलाइन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस इन हिंदी। अपने दिन की आप शुरुआत करिए एक ग्लास हल्के गर्म पानी और नींबू के रस के साथ, या फिर अगर आपको बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो आप एक ग्लास एश गॉर्ड जूस भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अपना एक्सरसाइज वर्कआउट रूटीन जरूर से फॉलो करिए। आप दुनिया की कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन वर्कआउट एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और आपके बॉडी के मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं एक कप आलमंड मिल्क या फिर कोई भी वेजिटेबल का जूस, और साथ में आप लीजिए एक कप किनवा का उपमा, या फिर आप फॉक्सटेल मिलेट का दलिया बनाकर भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है एक कप फ्रूट बोल। जो फूड लिस्ट हमने पहले मेंशन करी थी उसमें से अपने हिसाब से आप कोई भी फ्रूट चूज कर सकते हैं, या फिर फ्रूट की जगह आप यहाँ पर एक ग्लास कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। लंच में आपको लेना है एक कप अनियन और टमेटो का रायता। आप इसमें कोकोनट मिल्क या फिर गोट मिल्क का कर्ड भी यूज कर सकते हैं। साथ में आपको लेना है ओट्स उपमा या फिर राजगीरा के आटे का चिल्ला या रोटी, और साथ में आप ले सकते हैं एक कप कोई भी वेजिटेबल जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कैरेट है या भिंडी है। लंच के बाद स्नैक टाइम पे आप ले सकते हैं एक कप अवोकाडो या पपाया, या फिर आलमंड योगर्ट, या फिर एक ग्लास नारियल पानी, या फिर एक कप ग्रीन टी।
डिनर में आपको लेना है एक कप ग्रीन सैलेड या फिर कॉर्न और मशरूम की स्टीम्ड सैलेड। साथ में आप लीजिए 2 या 3 मीडियम साइज के स्वीट पोटेटो, कैरेट और बीटरूट की बनी हुई टिकिया या पैटी। साथ में आप ले सकते हैं पालक और ब्रोकली का सूप। अगर आपको ऐसा लाइट डिनर करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप कोई भी मिलेट फ्लावर की 1 या 2 रोटी ले सकते हैं, और साथ में हमने जो वेजिटेबल की लिस्ट मेंशन करी थी उसमें से कोई भी वेजिटेबल अपने हिसाब से चूज करके ले सकते हैं। बेड टाइम पर यानी सोने से पहले आपको लेना है 1 ग्लास पानी और उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल लीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपका लिवर आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई कर चुका हो। देखिए, एल्कलाइन डाइट बेसिकली ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट बेस्ड और वाटर बेस्ड डाइट है। इसमें आप जितना ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको महसूस होगा। इसमें सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, ज्यादा नमक, अल्कोहल, मीट, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड्स, ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफस्टाइल से एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड विद इन 1 मंथ आप देखिएगा कि आपकी हेल्थ कितना ज्यादा लेवल तक इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा ऑप्शंस और रेसिपीज आपको एल्कलाइन डाइट पर देने की। आप हमारी वेबसाइट www.dietbub.com पे जरूर विजिट करिए। यहाँ पर हमने इतने सारे सैंपल डाइट प्लान्स डाल रखे हैं कि आपको अपने हर मर्ज की दवा यहाँ मिलेगी। आप हमसे अपना पर्सनलाइज डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक ईमेल करना है care@dietbub.com पे। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही हमेशा आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।